नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर। तो आज मेरे परिक्रमा का 65वां दिन है और सुबह के बज रहे हैं 9:05। कल का दिन शनिवार का दिन था और कल दोपहर का भोजन भी मैंने हनुमान मंदिर में लिया था और शाम का भोजन भी माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद हनुमान मंदिर में ही लिया। कल शाम को यहाँ पे सुंदरकांड का पाठ हुआ और रात्रि में विश्राम करके सुबह में आज मेरा थोड़ा रुकने का यहाँ पे मन था, लेकिन यहाँ पे 5G नेटवर्क नहीं है तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाता और कल रात्रि में सारे एपिसोड्स पूरे हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मुझे परिक्रमा में आगे बढ़ना चाहिए। जहाँ कहीं पे भी 5G नेटवर्क आएगा वहाँ पे रुका जाएगा और आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करा जाएगा। तो मैं परिक्रमा में आगे बढ़ चुका हूँ और आज देखते हैं। यहाँ से मैं देख रहा था कि 2 या 3 मार्ग हैं, कौन से मार्ग में हम आगे बढ़ेंगे पता नहीं, क्योंकि परिक्रमावासी कुछ आगे निकल गए हैं तो मिलना तो मुश्किल होगा। अब रास्ता पूछ के ही आगे बढ़ेंगे, तो बने रहते हैं आनंद में, परिक्रमा में नर्मदे हर। कंटिया ब्रिज चौरा से गांव से बाहर निकलते ही सीमा समाप्त हो जाती है और यहां से देखने को मिला आगे की तरफ परिक्रमा में बढ़ रहे हैं। श्री श्री 1008 कमलदास बाबा जी की इस पावन नगरी से आनंद लेते हुए हम अब परिक्रमा में आगे बढ़ेंगे और तकरीबन 4 किलोमीटर की दूरी तक हमें सिर्फ दोनों तरफ बेहद ही खूबसूरत ये खेत देखने को मिलेंगे। चार किलोमीटर की दूरी तय कर ली है, 10:07 और सामने अब कुछ दुकानें आई हैं। उम्मीद है यहाँ कुछ बाल भोग मिल जाएगा। यहाँ पे ग्रामवासी ने मुझे आलू के पकोड़े और चाय पिलाई। आगे कुछ ही दूरी पे एक मंदिर मुझे दिखाई दिया जहाँ पे मैंने महाराज को नर्मदे हर बोला, पर रोकड़ी हनुमान से महाराज जी का कोई जवाब नहीं आया तो मैं परिक्रमा में आगे बढ़ते चला गया। तो मार्ग का मैंने यहाँ पे पता करा, मार्ग एक ही है सड़क पे, हम पड़ियाल होते हुए निसरपुर जाएंगे। पड़ियाल की जो दूरी है जहाँ से भी मैंने बाल भोग लिया वहाँ से 9 किलोमीटर की दूरी है और निसरपुर जो है 21 से 22 किलोमीटर की दूरी है। तो चलते हैं धीरे धीरे परिक्रमा में आनंद लेते हुए। परिक्रमा में ही आगे रोड मार्ग पे एक महादेव जी का ये मंदिर भी है, साईं मंदिर के नाम से आप इसे देख पाएंगे। यहाँ पे थोड़ी देर मैंने विश्राम करा और फिर परिक्रमा में आगे बढ़ गया। प्रकृति और यहाँ के गांव को देखते हुए मैं परिक्रमा में आगे बढ़ रहा था। यहाँ पर भी मुझे लगा कि कुछ शायद खेतों की दवाई होगी जिससे वो लोग अपने ड्रम के अंदर भर भर के आगे ले जा रहे थे। महाराज जी यहाँ पे झूले का आनंद लेते हुए, हम तो अभी खटिया और झूले पे बैठ नहीं सकते तो महाराज को देख के आनंद ले रहे हैं। नर्मदे हर। देखिए पीछे अभी मैं जहाँ पे बैठा था वहाँ पे
उस लड़की के पीछे झूले के पीछे बड़ा ड्रम रखा हुआ था। मैंने पूछा ये ड्रम बजाते हो तो मेला हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो उन्होंने बताया कि मेला तो महाराज 2 दिन पहले हुआ था। मैंने बोला मुझे उसमें आना था, तो उन्होंने कहा महाराज वहाँ पे बलि चढ़ती है बकरों की, और मैया ने बताया कि 60 से 70 बकरे कटे थे उस दिन। अच्छा हुआ मैं देखने नहीं गया। अभी भी बलि प्रथा चल रही है। चलिए नर्मदे हर। एक पल के लिए ये दृश्य ऐसे लग रहा था मानो मैं आसाम के अंदर हूँ और यहाँ पे चाय की खेती हो रही है, ये चाय के बगान हैं। इतनी तेज धूप और गर्मी में इस हरियाली को देख के आपको अंतर मन में थोड़ा ठंडक का एहसास हो जाता है। ग्यारह बजकर 50 मिनट हो गए हैं और सुबह से अभी तक परिक्रमा में 9 किलोमीटर चल चुका हूँ। यहाँ पे थोड़ा बैठ के आराम कर रहा हूँ, फिर परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पल यहाँ पे रुक के सांस लेते हुए और इस पहाड़ को निहार रहा था कि किस तरह से ये खेती करी गई और पहाड़ों पे किस तरह से ये बबूल के वृक्ष लगे हुए हैं। यहाँ से 2 मार्ग हैं, लेकिन आपको परिक्रमा मार्ग में इसी मार्ग पे आगे बढ़ना रहेगा। नर्मदे हर। वड़ाले गांव पे ही एक आश्रम मुझे मिला जहाँ पे मैंने माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद लिया और कुछ वक्त आराम करा। यहाँ पे मुख्य रूप से मैंने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन करे और पास ही में शिवलिंग में महादेव जी के दर्शन करे। तो परिक्रमा को आगे बढ़ाते हैं। सुबह से परिक्रमा में लगभग मैं 16,000 कदम चल चुका हूँ और दूरी तकरीबन 11 किलोमीटर की। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे एक और आश्रम है जहाँ पे चल के थोड़ा विश्राम करेंगे। अगर वहाँ पे नेटवर्क मिल गया हमें 5G तो हम वहीं पे आज रात्रि में विश्राम करेंगे, नहीं तो परिक्रमा को और आगे बढ़ाएंगे तकरीबन 10 किलोमीटर के लिए। चलिए बने रहिए मेरे साथ में आनंद में प्रकृति के साथ। नर्मदे हर। बहुत तेज गर्मी है और थोड़ा सा सुकून भी चाहिए। अरे 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 मैं यहाँ खामोशी से जिंदगी को निहार रहा था। यहाँ पर आश्रम तो आ गया है, लेकिन मैं परिक्रमा को यहाँ से आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे 5G नेटवर्क चाहिए आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करने के लिए। अगर यहाँ पे नहीं मिला तो 12 किलोमीटर की परिक्रमा हमें और करनी पड़ेगी आज। बने रहिए मेरे साथ। नर्मदे हर।
तो चलिए गर्मी को हमने निकाल दिया है, अब आनंद में आगे बढ़ते हैं। नर्मदे हर। नर्मदे हर। नर्मदे हर। अरे बेर खा रहे हो, बेर ले जा रहे हो, दिखाना तुम्हारा भी मेरे को, मिलेंगे थोड़े से। तो चलिए बच्चों से थोड़े से बेर मिल गए, सबसे प्यार से दो दो बेर ले लिए, हमारा परिक्रमा का सफ़र भी आराम से कट जाएगा। अब जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक ये बेर हमारा सहारा बना रहेंगे, मैया तो वहीं साथ में, हम आनंद में आगे बढ़ते रहेंगे। एकदम तरोताज़ा नर्मदे हर। ये देखिए पुराने जो कुएं हुआ करते थे, इसको वाड़ी भी कहा करते थे, इस तरह से एंगल पे ये लकड़ा लगाया जाता था, इस पर दो चक्के हुआ करते थे जिसमें से बाल्टी को नीचे लटकाया जाता था। हालांकि यहाँ पे पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है और गेहूं की खेती आपको यहाँ बहुत देखने को मिलेगी। एमपी के शरबती गेहूं भी आपने सुने होंगे, काफ़ी विख्यात हैं वो। एमपी का शरबती आटा खाइए और सेहत बनाइए। फिलहाल तो शाम के 4 बजने को हैं, 3:55 वक्त हुआ है और तकरीबन हमने 16 किलोमीटर की दूरी अभी तक परिक्रमा में तय कर ली है। यहाँ से 9.5 किलोमीटर की दूरी हमें और तय करनी है और उसके साथ हमें वहाँ पे 5G नेटवर्क मिलना ज़रूरी है। हमारे पास कुछ घंटे ही बचे हैं वीडियो को अपलोड करने के लिए। नर्मदे हर। दो गांव के इस राह पे हम आ चुके हैं और यहाँ पे दो राहें भी मिल रही हैं आके। हाँ तो को बताऊं भाई। चलो चलो। 4:54 हुए हैं अभी, यहाँ पे एक घर में हमको चाय के लिए रोक लिया था, यहाँ थोड़ा बैठे। बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे एक आश्रम है, आप वहीं पे विश्राम करिए। और बीच बीच में मुझे 5G के सिग्नल आ रहे हैं थोड़े, अगर यहाँ पे 5G आ गया तो हम यहीं पे विश्राम करेंगे। हालाँकि गति काफ़ी तेज़ बना के रखी हुई है, देखिए कुछ वक्त हमें पहले भी चाहिएगा अपलोड करके सारी चीज़ें चेक करने में, तो मुश्किल से अब हमारे पास में 1 घंटा बचा है। तो चलिए गति बढ़ाते हैं नर्मदे हर। और ये यहाँ पे एक आश्रम आ गया है कोणदा में, दो गांव में। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो देखिए अभी सुबह नहीं हो रही है, अभी संध्या का वक्त है और मैं परिक्रमा में जब आगे बढ़ रहा था तो शाम के 5 बजे थे। यहाँ से मुझे निसरपुर तक जाना था जो कि तकरीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे है, पर जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे उस गांव से निकलते ही थोड़ा सा ही आगे बाहर आया और यहाँ पे मुझे 5G नेटवर्क भी मिल गया और साथ में ये आश्रम भी जहाँ पर आज शाम को मैं विश्राम करने वाला हूँ। तो मेरे दोनों काम हो गए और आज की परिक्रमा में तकरीबन मैं 19 किलोमीटर चला हूँ और 29,000 कदम मैंने चले हैं। तो देखिए ऊपर वाले की कृपा, मैया की कृपा, आप लोगों का प्यार कि वक्त पे सब कुछ हो गया। मैं 5 बजे यहाँ पे आया, आने के बाद मैंने वीडियो अपलोड लगा दिए हैं और उम्मीद है कि वक्त पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा।
उसके बाद में मैंने अपने वस्त्र धोए, स्नान करा और अब ऊपर छत पे आ गया हूँ और सूर्यास्त देखने के लिए। और देखिए कितना खूबसूरत ये स्थान है, चारों तरफ खेत हैं और सूर्यास्त भी एकदम मेरे पीछे ही हो रहा है। तो कल हम यहाँ से परिक्रमा को आगे बढ़ाएंगे और आज का दिन बड़ा ही उत्तम गया। उम्मीद है आप लोगों को वक्त पे वीडियो देखने को मिलेंगे। बने रहिए मेरे साथ में और आनंद लेते रहिए इस परिक्रमा का मेरे साथ में। नर्मदे हर, चलिए सूर्यास्त भी आपको दिखा देता हूँ मेरे पीछे। ये रस सूर्यास्त होने को है और अब पूरा यहाँ का 360 डिग्री व्यू भी आपके साथ मैं साझा करता हूँ। नर्मदे हर। तो आज की परिक्रमा को यहीं पे हम विराम देते हैं, कल हम परिक्रमा को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नर्मदे हर। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा, मैं बेसब्री से आपके कमेंट्स का इंतज़ार करते रहता हूँ। आपके कमेंट्स ही मुझे प्रोत्साहित करते हैं अगले दिन की शुरुआत करने के लिए। तब तक के लिए नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे।